आ ये भी आ जाएगा उधर। चलो मैं दूँ। I know I look weird, but yeah. What is up guys, welcome back to my channel. So good morning from Bhubaneswar Airport and अभी हम पहुँच चुके हैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट एंड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है ये वाला व्लॉग सीरीज़ एंड आई विल मेक श्योर कि मैं बहुत सारे व्लॉग्स बनाऊँ यहाँ आके एंड सिंस मैंने प्लान बहुत कुछ कर रखा है कि मैं क्या क्या करूँगा यहाँ पे व्लॉग, सो जस्ट होप फॉर द बेस्ट। तो अभी मैं घर जाके बस आपसे मिलता हूँ एंड बताता हूँ आगे का स्टोरी। हाई गाइज, सो बात यह है कि मैं एयरपोर्ट से घर जब आया अपने एंड मैं आके लिटरली आया, खाया पिया एंड सो गया था बहुत अच्छे से आराम से एंड मैं अब जाके उठाऊँ। सो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट कि कैसे क्या सीन था आज एयरपोर्ट में एंड हाउ थिंग्स वर डिफरेंट एंड कैसे द न्यू नॉर्मल वाज बीइंग फॉलोड इन द एयरपोर्ट। लेट मी जस्ट टेल यू कि कैसा सिनेरियो था वहाँ पे एंड क्या मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। सो टॉकिंग अबाउट एयरपोर्ट, काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था, जैसे कि पीपी किट देना एंड इतना ज़्यादा ये वन हैंड डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करना, बहुत सारे डिफरेंसेस हम देख पा रहे हैं एयरपोर्ट में। एंड ऐसा नहीं है कि वो कोई ज़्यादा सेफ नहीं है फ्लाई करना, अभी इट इज़ सेफ बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे क्या ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे क्या जा रहे हैं, कहाँ टच कर रहे हैं, कैसे सब कुछ एंड मेक श्योर कि आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं बिकॉज दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके अलावा यू ऑल्सो गेट अ शील्ड, आपको एयरलाइन की तरफ से एक शील्ड मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दीज बहुत छोटे छोटे चीज़ें जैसे कि आपका बोर्डिंग पास वगैरह, अब पहले वेब चेक इन जो था मैंडेटरी नहीं होता था, ऑप्शन होता है, बट अब वेब चेक इन आपका कंपलसरी हो चुका है। सो इट्स लाइक यू हैव टू गेट ऑल दीज थिंग्स प्रिंटेड बाय योरसेल्फ फ्रॉम ए होम इटसेल्फ, तो एक वो चीज़ है जो कि अपडेटेड है, पहले नहीं होता था ऐसा। एंड ये सब चीज़ें कोविड को दिमाग में रख के किया जा रहा है एंड टू मेक योर ट्रैवल इवन मोर सेफर एंड ईजियर एंड कन्वीनियंट। सो नाउ इट्स टाइम दैट आई शो यू माई जिगर के टुकड़े जिन्हें मैं बहुत महीनों से नहीं मिला, आई गेस ऑलमोस्ट 8 महीनों से 9 महीनों से नहीं मिला एंड मेरे हाथ लिटरली तरस गए इनको बजाने के लिए। ये है मेरे जिगर के टुकड़े, लेट मी जस्ट टर्न ऑन द लाइट्स। सो दिस इज माई VC-Rich अकूस्टिक गिटार, बहुत दिन से उनको बजाया नहीं मैंने एंड लिटरली मैंने अभी जब प्ले किया उन लोग को मज़ा आ गया मेरे। एंड दिस इज़ माई यामाहा क्लासिकल गिटार एंड दैट्स माई छोटू यूकुलेले यूक, दिस पोलो यूक एंड मेरे को पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छा सा इसका लगता है। आपको शायद से पता नहीं होगा कि मैं अपने MBA कर रहा हूँ IIM भुवनेश्वर से। सो इट्स लाइक मैं 2019 में मैंने ज्वाइन किया था एंड 2021 में पास आउट होने वाला हूँ मैं, बट सिंस लास्ट 8-9 months आई गेस हमारे कॉलेज बंद है बिकॉज ऑफ कोविड एंड एवरीथिंग एंड पैंडमिक एंड एवरीथिंग। सो आई डोंट थिंक हम कॉलेज वापस जा सकते हैं, बट द बेस्ट थिंग नाउ इज़ मैं अपने 3 गिटार्स दो गिटार और एक यूकेलेले यहीं छोड़े गया था एंड फाइनली मैं उनको बजा सकता हूँ। तो एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने आज 8-9 महीने बाद अपना गिटार प्ले किया तो क्या मज़ा आया, इट्स समथिंग लाइक वेरी सूदिंग। ये बजाता हूँ ना तो भाई छोड़ने मन नहीं करता। तो ऑल द गिटारिस्ट, ऑल द म्यूजिशियंस, ऑल द म्यूजिक लवर्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई गेस यू कैन कनेक्ट विथ मी राइट। सो दिस इज़ एन यूकेलेले एंड इसमें और गिटार में डिफरेंस ये होता है कि ऑब्वियसली हाँ वो 6 स्ट्रिंग्स होते हैं उसमें एंड इसमें 4 स्ट्रिंग होते हैं एंड इसमें कॉर्ड्स डिफरेंट होते हैं एंड इसके जो फ्रेटबोर्ड भी हैं देख रहे हैं इट्स नॉट एज बिग एज अ गिटार। सो या बहुत माइनर डिफरेंस है बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसके साउंड क्वालिटी में और उसके साउंड में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है।
यूकेलेले आई गेस अराउंड 4-5 साल हो गए मेरे को शहर से बजाते हुए. एंड मैंने कोई ट्यूशंस कोई क्लासेस कुछ नहीं, सब कुछ आई लर्न फ्रॉम यूट्यूब. सो यूट्यूब हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट सपोर्ट फॉर मी सिंस द बिगिनिंग. तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है एंड इट्स वेरी ईजी टू लर्न. आई मीन अगर आप कंपेयर करें गिटार के साथ तो ये चीज़ सीखना इज़ फार मोर ईजियर देन अ गिटार. तो अभी हमारा प्लान है कि हम बारबेक्यू करने वाले हैं अपने गार्डन में बैठ के. सो चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं. तो राहुल भाई सब प्लान हो चुका है क्या? हाँ सब प्लान हो चुका है, सब रेडी हो चुका है ऑलरेडी. अभी चारकोल इज ऑन फायर राइट नाउ, सो वी आर गोइंग टू जस्ट कीप ऑल द चिकन स्टिक्स एंड पनीर स्टिक्स ऑन दैट ग्रिल. इट विल बी अ ग्रेट तो यहाँ पे सब कुछ सेट हो चुका है और बनने वाला है. ऑलरेडी बहुत सारा खा चुका हूँ चिकन एंड पनीर. एंड अभी राहुल भाई मेरे को देने वाला है और एक पीस जो कि मैं टेस्ट करूँगा फिर से, जो कि उसका स्पेशलिटी उसने तंदूरी विंग बनाया है. लेट मी जस्ट टेस्ट एंड आई विल टेल यू. कितना ज़्यादा ये टेस्टी है मैं क्या ही बताऊँ. टेस्ट कर एक बार. Awesome. इसने बनाया है ऐसे ही बोल रहा है, बट मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. क्या ही बताऊँ, मतलब मैं कभी ऐसा घर पे ट्राई किया नहीं था बारबेक्यू वगैरह करने का. बट सिंस राहुल भाई हमारा शेफ यहाँ पे है, सो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा इसने बनाया है. ट्रस्ट मी, आई विश आप सब इसको टेस्ट कर सकते हैं. बट कोई बात नहीं, मैं चला रहा हूँ थोड़ा, दैट्स फाइन. सो दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग. अगर आपको ब्लॉग थोड़ा सा पसंद आया हो तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही जल्दी आने वाला है, जो कि मोस्ट ऑफली एक ट्रैवल ब्लॉग होगा आई गेस. And stay tuned for that. Thank you so much for watching.